जननायक जनता पार्टी कल राजस्थान में चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाने जा रही है और सीकर में ये जयंती होने जा रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं और सीकर क्यों चुना गया ये सब जानेंगे। दिग्विजय चौटाला हमारे साथ है। दिग्विजय जी, सीकर क्यों चुना गया रैली के लिए? हरियाणा से बाहर आए यहाँ पहली बार। सीकर चोई साहब की कर्मभूमि है, कर्मसथली है। सीकर उनके दिल के बहुत करीब था और सीकर के लोगों ने उन्हें ताऊ बुलाया और ताऊ देवीलाल बना के देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाया, देश का प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। तो सीकर के लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं। हमने जब कार्यक्रम हरियाणा में करते आए तो इस बार सीकर के लोगों ने कहा कि ये गलत बात है, आप हरियाणा हरियाणा में नहीं, इस बार राजस्थान में भी करो। तो लगता है कि चुनावी माहौल भी है और दो महीने के अंदर अंदर चुनाव भी होने हैं, इसलिए इस रैली को यहां करवाने का निर्णय लिया। निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम के राजनीतिक परिणाम होते हैं और दूरगामी होंगे। तो क्या परिणाम देखते हैं आप? जितनी भीड़ होगी उतना ज्यादा जोश होगा और यहाँ के लोग आने वाली संख्या में ज्यादा संख्या में जीत के आएंगे। और मैंने जैसा कहा कि ताला की चाबी इन लोगों के पास ही होगी। हम रास्ते में जब आए तो हमने होर्डिंग भी पढ़े, आपने लिखा हुआ है लिखा कि हुआ है किसान, चाबी किसान के पास किसान के पास ही होगी, किसान ही अगला मुख्यमंत्री होगा। तो किसान अगला मुख्यमंत्री होगा ये इनका कहना है। लेकिन एक बार आपको व्यवस्था भी दिखा दूं, देखिए अजय चौटाला भी आ चुके हैं। अजय चौटाला कल मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ रहेंगे और यहाँ से वो विधायक भी चुने गए हैं। अजय चौटाला भी इस समय पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेंगे कि अजय चौटाला क्या कुछ कहते हैं। अजय जी यहाँ पर पहुंचे हैं। अजय जी, आप सीकर में रैली होनी है कल और आप भी यहाँ पहुंचे हैं, देवीलाल जी यहाँ से सांसद थे और आप भी विधायक रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कल की रैली कैसे होने वाली? मैं तो रैली तो कल करने वाली थी, रैली तो अभी हो रही है। रैली तो अभी हो रही है। तो क्या मानते हैं कि जो कल रैली होनी है उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम है और किस तरह की रैली? वो ऐतिहासिक होगी, अरेंजमेंट तो आपने देखे ही हैं सभी हम, और वो रैली ऐतिहासिक होगी। कल आपके छोटे भाई भी रैली कर रहे हैं और आपके पिताजी भी रैली कर रहे हैं कैथल में, तो कैसे देखते हैं कि दोनों रैलियों के समान अगर हम देखें तो आप जेजेपी को कहां? हम समानता नहीं करते, चौधरी देवीलाल को सम्मान दिवस की रैली है, उनके आयोजन पे हम ऐतिहासिक निर्णय करते हैं, वो करेंगे कल। चुनावी दौर में ये रैली हो रही है तो क्या माने कि जिस प्रकार से हरियाणा में सत्ता की चाबी जेजेपी के पास आई थी ऐसे ही राजस्थान में भी चाबी जेजेपी? बिल्कुल निश्चित तौर पे जेजेपी के पास ही राजस्थान की असेंबली का चाबी खुला। अगर सहयोगी देने की बात हुई तो किसका सहयोग करेंगे, क्या कांग्रेस या बीजेपी या खुद बनाएंगे? बीजेपी का सहयोग करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस प्रकार से अजय चौटाला का यह दावा है कि सहयोग की जरूरत भी पड़ी तो बीजेपी का सहयोग होगा, और जिस तरह से हरियाणा में सरकार बनाई गई जेजेपी की और बीजेपी की, इसी तरह से अगर जरूरत पड़ती है तो राजस्थान में भी बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने का काम जेजेपी करेगी। और यहां से कल इसी रैली स्थल से कल वो बिगुल फूंक दिया जाएगा। एक बार मैं आपको कहूंगा कैमरामैन साहब दिखाएं पीछे, अगर आप पीछे यहां से चढ़ के दिखाएंगे तो आपको कुछ ऊंचाई से दिखाने का मौका भी मिलेगा और हम ये दिखा पाएंगे कि किस तरह से तैयारियां जननायक जनता पार्टी की हैं, जो रैलियों के लिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जेजेपी रैलियों की एक पार्टी मानी जाती है, कभी भी रैली कहीं भी अगर करवानी है, सफल रैली करने में जेजेपी कामयाब होती है। तो रैली कल की कितनी सफल होगी ये देखना यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा कि जब ये पंडाल जो लगा रखा है क्या इसको भर पाएंगे। जो दावा है कि 8 से 10 हजार महिलाएं यहाँ पहुंचने वाली हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग होंगे, वो देखना होगा कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुंच पाते हैं। 5 राज्यों की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से भी यहाँ पर कार्यकर्ता बुलाए गए हैं और यहाँ कार्यकर्ता आकर के देवीलाल को नमन करेंगे और कहीं ना कहीं जेजेपी की ताल ठोकेंगे कि वो अब हरियाणा से बाहर निकल करके राजस्थान में भी यहाँ पर कुछ अपने विधायक बना सके और उस मुकाम पर पहुंच सके कि अगर जरूरत पड़ती है तो सत्ता की चाबी जेजेपी के हाथ आए। जेजेपी की कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह से पहला चुनाव हरियाणा में लड़ा और 10 सीटें जीत करके सीधा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर दुष्यंत चौटाला विराजमान हो गए, इसी प्रकार से चमत्कार कुछ राजस्थान में भी जेजेपी करे, ये सोच है जेजेपी की। और इसी को लेकर के देखिए कि किस प्रकार से ताकत पूरी लगा दी गई है, हरियाणा के तमाम कोनों से कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं और
आरोप प्रत्यारोप कई तरह के हो रहे हैं कि महिलाओं को घुमाने के नाम पर लाए हैं, सालासर बालाजी के दर्शन कराने के नाम पर लाए हैं, लेकिन साफ तौर पर दिग्विजय का कहना है कि अगर दर्शन भी करवाने हैं तो उसमें राजनीति नहीं है। यहाँ पर जितने कार्यकर्ता, जितने लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे वो आपको देखना जरूर कहीं ना कहीं दिलचस्प रहेगा। कल कैथल में भी रैली है। महत्वपूर्ण ये है कि दो दो रैलियां कल एक साथ हैं। देवीलाल जी का जन्म दिवस जो है 110वीं जयंती, वो दोनों पार्टियां जेजेपी और इनेलो, दोनों पार्टियां जो कभी संयुक्त हुआ करती थी और 2017 में टकराव के बाद जब अलग अलग हुई, तो पहली बार ये ऐसा है कि एक ही तारीख पर दोनों रैलियां करवाई जाएंगी। देखिए दुष्यंत चौटाला की फैन है, दुष्यंत चौटाला की तस्वीर अपने बदन पर, अपने दिल के पास इन्होंने लगा रखी है। क्या नाम है जी आपका? अशोक जोहरा भाई साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी। कहाँ से? जेजेपी है। कहाँ से? बड़ौदा हल्का से। बड़ौदा से। तो आपने अपने सीने पर दुष्यंत चौटाला को छपवा रखा है, कुछ विशेष प्रेम है आपका? हाँ बिल्कुल, लगा हुआ जी। मारा भाई मुख्यमंत्री बनेगा, उसकी लोकप्रियता को देखते हुए बनवा था जी। अच्छा, तो दिल के नजदीक है दुष्यंत चौटाला? बिल्कुल नजदीक जी। क्या कुछ कहना चाहोगे कल की रैली को लेकर? बहुत अच्छी रैली होगी भाई साहब, और भाई हमारा आने वाले समय में पीएम बनेगा 10-15 साल के बाद। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री इनका कहना है कि आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला प्रधानमंत्री भी बनेंगे, उससे पहले ये मुख्यमंत्री भी दुष्यंत चौटाला को बनवाएंगे। देखिए, किसान विजय सम्मान दिवस इस रैली को नाम दिया गया है। जननायक जनता पार्टी की रैली है और पहली बार हरियाणा से बाहर निकल करके इस रैली को आयोजित किया गया है। अब जननायक जनता पार्टी जब से बनी है तब से पहली बार इस प्रकार की कोई रैली है जो जेजेपी कर रही है। इससे पहले जेजेपी सिर्फ नमन किया करती थी 2019 में, जब विधानसभा चुनाव जीता, 10 सीटें पर जीत दर्ज की और उसके बाद सरकार में भागीदार हुए, भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाई जजपा ने। उसके बाद जब रैली की अगर बात करें तो उससे पहले रैलियां नहीं की जाती थी। ये पहली बार जेजेपी अलग होने के बाद देवीलाल के नाम पर एक रैली है और शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो इसको ये गलत नहीं होगा। कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर निर्देश है कि इस पूरे पंडाल को खचाखच भरना है और साथ ही अगर ये पंडाल फुल हो जाता है, कार्यकर्ता अगर रैली को कामयाब बनाने की कोशिश में सफल हो जाते हैं, तो ये जो आगे आपको डी दिखाई पड़ रही है ये भी कहीं ना कहीं आपको कार्यकर्ताओं से खचाखच भरी हुई दिखाई देगी। लेकिन निगाहें आपको साफ तौर पर बता दें कि निगाहें रहने वाली हैं सीधे तौर पर जननायक जनता पार्टी की सीकर रैली में और जो जेजेपी की रैली के साथ जो कैथल में इनेलो की रैली होनी है उस पर। दोनों रैलियों में से ज्यादा भीड़ कहाँ रहती है, ज्यादा चर्चा किस रैली की रहती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई लोग, ऐसा माना जा रहा है कि 25 दलों के लोग वहां पहुंचने वाले हैं और जो कैथल की रैली होगी उसमें 25 दलों के लोग पहुंचेंगे, ओम प्रकाश चौटाला मुख्य वक्ता रहेंगे। उसमें अगर हम बात करें तो जेडीयू, जिसमें नीतीश कुमार मुख्य तौर पर और लालू यादव के आने की संभावनाएं हैं, पिछली बार नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी भी आए थे और तमाम कई बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे, शरद पवार भी पहुंचे थे। लेकिन क्या उस रैली में कांग्रेस का कोई नेता पहुंचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इनेलो जिस प्रकार से गठबंधन में, महागठबंधन में, इस अगर कहा जाए तो इस इंडिया गठबंधन है उसमें शामिल होने की कवायद कर रही है, तो क्या इनेलो कल शामिल हो पाती है? उस लिहाज से वो रैली दिलचस्प होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद क्या कांग्रेस के नेता उनकी रैली में पहुंचते हैं। और जेजेपी की ये रैली इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगी कि यहां देखना होगा कि किस प्रकार राजस्थान में पैर जमाने की कवायद कर रही जननायक जनता पार्टी कल यहां से हुंकार भर पाती है। और जो पोस्टर, जो होर्डिंग, जो नारे दिए जा रहे हैं कि जेजेपी और जो राजस्थान है उसकी सरकार की चाबी जेजेपी के पास होगी और किसान बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ये दावे किए जाते हैं। लेकिन ये दावे पूरे कब होंगे ये जरूर देखना दिलचस्प रहेगा। राजस्थान का चुनाव जेजेपी के लिए अहम है और इसके बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तो गठबंधन में लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे ये भी देखना होगा, और फिर विधानसभा, यानी पूरा साल चुनावी साल है। जेजेपी क्या कमाल कर पाएगी इस पर निगाहें पूरे देश की टिकी हुई है। कैमरा पर्सन साहिब के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, राजस्थान।